नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं स्टॉक ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारा बंदा होता है जिसका पास उतना कैपिटल नहीं है, फ्यूचर में नहीं काम कर सकते बट अच्छा खासा रिटर्न लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है स्टॉक का ऑप्शन। अगर आप फ्यूचर में नहीं काम कर पा रहे हैं एज पर योर कैपिटल, तो आप ऑप्शन में भी काम करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो उसी का एग्जांपल के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसा भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज वेल एज आपको एंट्री लेने का साथ साथ एग्जिट कहाँ पर करना है। देखिए, एज ए एग्जाम्पल अभी आपका सामने बजाज ऑटो का एक चार्ट खुला हुआ है, 8100 कॉल का चार्ट। ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका सिग्नल है, और जब भी कोई सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन का ऊपर इस टाइप का मैसेज बॉक्स आ जाएगा साउंड के साथ, मतलब आपको कॉल ढूंढने का जरूरत नहीं, कहीं पर भी कॉल बनेगा आपको मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है गेट एंट्री बाय बजाज ऑटो एट द रेट 205.85, तो इस वैल्यू के आसपास बजाज ऑटो ने आपको बाय करने के लिए बताया है। अब क्वेश्चन ये है जो ये जो बजाज ऑटो का जो कॉल है वो कितना जेन्युइन है, क्योंकि कॉल बहुत सारा बनता है जिसमें से कुछ कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को क्या क्या चीज देखना चाहिए, यहाँ पर तीन कंडीशन है। बाइंग का टाइम नीचे का रिवन का कलर क्या है देखना है, ग्रीन होगा तो इसका मतलब है ऑलरेडी मार्केट में बायर स्ट्रांग है। सेकंड कंडीशन है बाय का कॉल का पहले हमेशा एक ग्रीन स्टार बनना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन होता है ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर इसका कलर ग्रीन होगा, ये व्हाइट लाइन के ऊपर रहेगा। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होते हैं तब जाके इस कॉल को हम लोग एक स्ट्रांग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो हम लोग जैसे देखे 203 205 का आसपास एक कॉल बना है, और कंडीशन के हिसाब से कॉल बिल्कुल सही कॉल है। और बैंक निफ्टी सॉरी बजाज ऑटो का जो लॉट साइज है वो 125 का आसपास है, अगर उस हिसाब से हम लोग को 50 पॉइंट में मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट बना लेंगे। तो देखिए, हम लोग एंट्री लेने के बाद धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। एंट्री लेने के बाद आपका जो मेन फोकस होगा वो है एग्जिट का तरफ, और एग्जिट के लिए आपको नीचे का जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है उसी को फॉलो करना है। देखिए, देखते देखते ये ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है, अभी भी हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे जब तक आपको सॉफ्टवेयर कोई एग्जिट पॉइंट नहीं देगा। एग्जिट के लिए आपको वेट करना है, नीचे का ब्रिज को देखना है। जैसा देखिए यहाँ पर ब्रिज का कलर अभी रेड होना शुरू कर दिया है, बट अगर आप थोड़ा सा और वेट करेंगे जैसे इस टाइम आपको दिखाई देगा ये जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है ये अभी व्हाइट लाइन को तोड़ के नीचे आने लगा। तो ये एक सिंपल बार रिप्लाई करके मैं समझा रहा हूँ, जो कॉल में मैंने एंट्री लिया था इस वैल्यू का आसपास 203 या 205 का आसपास, अभी जैसे इस जगह पे आपको 320 का आसपास आपको दिखाई दे रहा है, नीचे का जो ब्रिक्स इंडिकेटर है ये व्हाइट को तोड़ के नीचे आ जा रहा है, मतलब ऑलरेडी 120 पॉइंट का आप यहाँ पर प्रॉफिट बना लिए हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर 125 का भी लॉट साइज होता है तो बजाज ऑटो में आप 120 पॉइंट में कितना कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, आप अगर आप फ्यूचर में काम नहीं कर पा रहे तो आप स्टॉक का ऑप्शन में भी काम करके अच्छा खासा रिटर्न ला सकते हैं, बट ऑब्वियसली एंट्री लेने का पहले इस कंडीशन को चेक करना है, ये तीनों पैरामीटर आपका मैच होगा तब जाके ट्रेड करेंगे। और एंट्री लेने के बाद हमेशा एग्जिट के लिए फोकस करना है, क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आप एग्जिट प्रोमिनेंट बनाएंगे तब जाके आप अपने मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक स्मॉल एंट्री मतलब स्मॉल प्रॉफिट लेने के बाद डर के निकल जाता है, उसके बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली दिखेगा, तो उस रैली को पकड़ना है, और वो रैली आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप मार्केट में एग्जिट कहाँ पर करना है वो आपको पता चलेगा। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलिस ब्लू के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, और ये वीडियो जस्ट एक बिगिनर के लिए था, जो अगर आप मार्केट में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक प्रॉपर टूल्स के साथ काम कीजिए जो आपको गाइड करेगा जो एक्चुअली एंट्री कहाँ पर लेना है और मार्केट को छोड़ना कहाँ पर है। एंट्री एंड एग्जिट दो अगर परफेक्ट हो गया तो टारगेट को लेके उतना आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू।